डोनेटियन इन 1923 से 25 तक फॉर द फर्स्ट टाइम सक्सीडेड इन कल्टिवेटिंग द सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटेजियस मिल्क फीवर इन द गोट. लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कॉज अ टाइप ऑफ निमोनिया जिसको प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया बोलते हैं, जो कि मैन में था 1967 में. इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा. सिंस देयर कैरेक्टरिस्टिक हैव बीन थॉरली स्टडीड, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया रिकॉग्नाइज्ड दैट दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया टू बी प्लेस्ड टू बी सेपरेट इन मॉलिक्यूल्स. ठीक है, द क्लास मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू जेनरा, एक है माइकोप्लाज्मा और दूसरा है एक्यूलोप्लाज्मा. सो ये एक PYQ है, सिर्फ इस पूरे पैरा से कुछ नहीं लिखना है. PPLO का फुल फॉर्म और फर्स्ट मेंबर जो है इस ग्रुप का उसको बोलते थे, डिस्क्राइब्ड बाई होम, और उसके PPLO का फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, और ये जो माइकोप्लाज्मा है ये किस क्लास में रखा गया था, वो है क्लास मॉलिक्यूल्स. बस और कुछ नहीं लिखना है. ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा है, तो कई बार जो शॉर्ट नोट लिखने आता है उसमें ये 6 पॉइंट्स आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि अच्छे पॉइंट्स हैं और रीड करते हैं. माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट यूजुअली नॉन मोटाइल, ये नॉन मोटाइल पार्ट हाईलाइट कर लेना, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. ठीक है, एंड दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर बैक्टीरियाज क्योंकि इनके पास दे हैव नो पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेनिंग सेल वॉल्स. तो ये MCQ बन सकता है कि माइकोप्लाज्मा के पास कोई भी पेप्टाइडोग्लाइकन कंटेनिंग सेल वॉल्स नहीं होते हैं. ठीक, नो नहीं होते हैं. अनलाइक दी एल फॉर्म्स दे कैन नॉट बी रिवर्टेड टू वॉल्ड ऑर्गेनिजम्स. तो जैसे कि एल फॉर्म में रिवर्जन पॉसिबल था, यहाँ पर रिवर्ट नहीं कर सकते. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल द सेल्स टेक एन इरेगुलर शेप्स एंड आर इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन अदर टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विच स्पेशली अफेक्ट द पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस. ठीक, ये तो आंसर राइटिंग में ही काम आएगा, MCQ एक ही मिला है यहाँ पे. आगे देखते हैं, बोथ एरोबिक हैं एनारोबिक स्पीशीज रिकॉग्नाइज है यहाँ पे. फिर है कि दे कैन ग्रो इन सेल्फ फ्री मीडिया इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल फ्लैट कॉलोनीज एग्जिबिटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फ्राइड एग अपीयरेंस. तो कहीं भी है, जैसे आपने देखा था वो कॉर्क स्क्रू वाला अपीयरेंस ना, कहीं भी जो अपीयरेंस वाला पार्ट होता है वो एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं. तो इसको आप कहीं भी जहाँ नोट बनाने वाले लिखोगे माइकोप्लाज्मा, और साइड में ऐसे डैश करके लिख लेना फ्राइड एग अपीयरेंस, फ्राइड एग अपीयरेंस MCQ के फॉर्म में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज लाइक यूकैरियोट्स दे यूजुअली रिक्वायर स्टेरॉल फॉर ग्रोथ. तो इसको हाईलाइट कर लेना, स्टेरॉल की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए. दे डिफर फ्रॉम वायरसेस इन दैट देयर सेल्स कंटेन बोथ DNA एंड RNA. तो इसको भी हाईलाइट कर लेना, MCQ बन सकता है. दे आर इनसेंसिटिव टू एंजाइम्स एंड पेनिसिलिन बट आर किल्ड बाई टेट्रासाइक्लिन अदर एंटीबायोटिक्स विच अफेक्ट सेल मेटाबॉलिज्म रादर देन द वॉल. तो दे आर किल्ड बाई टेट्रासाइक्लिन, इसको हाईलाइट कर सकते हो. तो ये टोटल 6 पॉइंट्स थे जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा बताते हैं. इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना, आंसर राइटिंग में काम आएगा. अगर ऑकरेंस की बात करें तो यही है कि सम स्पीशीज आर फाउंड ग्रोइंग एज सैप्रोफाइट इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ सॉइल एंड सीवेज, वेयर एज दूसरे जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं नंबर ऑफ वेरियस डिजीजेस, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग हो. दे आर नोन टू कॉज अ नंबर ऑफ प्लांट डिजीज एट्सेट्रा. तो इसमें कोई MCQ नहीं बनेगा. ठीक, प्लांट डिजीज देखते हैं कौन कौन से हैं. इंपॉर्टेंट प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, तो डिजीज़ तो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. अल्फा अल्फा विच्स ब्रूम, एस्टर येलोस, कोकोनट लीथल येलोइंग, कॉर्न स्टंट, लिटिल चेरी, पपाया बंची टॉप, टोबैको येलो ड्वार्फ, विंका रोजिया येलोस, पीनट विच्स ब्रूम, पोटैटो पर्पल टॉप, सैंडल स्पाइक और शुगर केन वाइट लीफ. एक पॉइंट नहीं छोड़ना है, सबका सब ये टोटल 4 और ये पूरा. इसको आप एज इट इज़ पूरा कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई MCQ, जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ऐसे बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. तो जो ये रहता है इनमें से कौन सा नहीं है उसको कैसे पहचानोगे, जब ये पूरा अच्छे से पढ़ के अच्छे से मेमोराइज किए रहोगे तभी वहाँ पे पहचान सकते हो. ठीक, इसलिए नोट कर लो. एनिमल डिजीज़ देख लेते हैं. एनिमल डिजीज़ में कुछ खास नहीं है. अ नंबर ऑफ माइकोप्लाज्मा हैव यूजुअली बीन फाउंड इन पैथोजेनिक कंडीशन ऑफ लोअर एनिमल्स, जैसे कि शीप में, गोट में, डॉग्स, रैट, माइस, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया एंड इन्फेक्शियस एक्लिया आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल. तो सिर्फ ये लिख लो, बोवाइन प्लूरोनिमोनिया और इन्फेक्शियस अगैल एक्लिया, ये दो ऐसे डिजीज हैं जो एनिमल डिजीज में होते हैं. ठीक, ह्यूमन में देख लेते हैं. अ नंबर ऑफ माइकोप्लाज्मा जैसे कि एम साल्विवेरियम, एम फेरिंजिस, एम न्यूमोनिया और एम होमिनिस, ये कुछ एसोसिएटेड हैं जो मैन से. ठीक, जिसमें रूमेटिक और आर्थराइटिक टाइप के डिजीज़ होते हैं. इससे कोई खास क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है,
बनेगा भी नहीं। एनिमल और प्लांट डिजीज काफ़ी फोकस कर लो, बाकी छोड़ दो। ठीक, मॉर्फोलॉजी एक बार रीड कर लेते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, सेल्स ऑफ माइकोप्लाज्मा डेलिकेट है, हाईली प्लास्टिक है और ईजिली डिफॉर्म हो जाता है। इट इज़ अकॉर्डिंगली डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब देयर फॉर्म विच वैरीज विद दी कंडीशंस ऑफ कल्चर। माइकोप्लाज्मा सेल्स हाईली प्लियोमॉर्फिक हैं एंड इनके ये देयर मे बी वेरी स्मॉल कॉक्सॉइड या फिर स्फेरिकल बॉडीज, समटाइम्स फिलामेंटस फॉर्म हो जाता है या फिर समटाइम्स ब्रांच्ड। स्फेरिकल फॉर्म है तो यहाँ से ये इतना पैरा से कोई क्वेश्चन बनने से रहा ये। ठीक, दीज फॉर्म्स आर ऑफन कॉल्ड स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटीज, कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। रीसेंट स्टडी बताते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पॉइंट्स आउट इंटरनल स्ट्रक्चर टिपिकल ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट्स के जैसा दिखता है, प्रोकैरियोट्स के जैसा क्लोजली रिजेंबल करता है दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया। और द सेल स्ट्रक्चर इनका क्या क्या कंटेन करता है इसको हाईलाइट कर सकते हो। तो माइकोप्लाज्मा के सेल स्ट्रक्चर में सेल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम होता है और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, इसको लिख सकते हो, एमसीक्यू बन सकता है। ठीक, सिर्फ यही, बाकी पूरा पैरा छोड़ दो, ये पूरा किसी काम का नहीं है, ये एक लाइन है इसको लिख सकते हो। एक प्रोफाइल दिया है माइकोप्लाज्मा का, देख लो। तो यहाँ पे ये राइबोसोम है, ये डीएनए है और ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। और ये है पैरा, इसको देख लेते हैं। तो द सेल मेम्ब्रेन इज 8 to 15 mm थिक, नहीं पूछेगा। केमिकली द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड और कोलेस्टेरॉल, दे लैक द कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स जैसे कि म्यूरामिक और डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड, इसको लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं, ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि माइकोप्लाज्मा लैक, तो ये म्यूरामिक एसिड प्लस डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। ठीक, तो यहाँ से एक एमसीक्यू मिल गया हमको। नेक्स्ट है कि लिपिड कंटेंट कितना है, 40% के आसपास ऑफ द सेल ड्राइवेट, ये PYQ है। माइकोप्लाज्मा का जो लिपिड है वो 40% को ऐसे हाईलाइट कर लेना ऑफ द सेल ड्राई वेट। ठीक, आगे रीड करते हैं कि प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट करता है 50 to 80% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ होल सेल। प्रोटीन इतना है, लिपिड इतना, तो ऐसे लिख लेना कि लिपिड 40% ड्राई वेट है और प्रोटीन वो 50 to 80% है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आए हुए भी हैं। ठीक, ये लास्ट लाइन देखते हैं। माइकोप्लाज्मा आल्सो डिफर फ्रॉम बैक्टीरिया इन दैट देयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन स्टेरॉल। तो ये तो अभी हमने देखा, ये क्वेश्चन PYQ है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से डिफर होता है इन देयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन क्योंकि इसके पास स्टेरॉल होता है। ठीक, विच स्टेबिलाइजेज मेम्ब्रेन एंड प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट ऑस्मोटिक लाइसिस। और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट होता है टू एंजाइम। तो ध्यान से देखोगे तो हमें ये क्वेश्चन मिल गया कि क्या लैक करता है, और यहाँ पे ये माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से डिफर करता है, इसके पास स्टेरॉल होता है, बस इतना ही। ठीक, माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट है किसको लेके, पेनिसिलिन को लेके। ठीक, और सेंसिटिव है टू टेट्रासाइक्लिन को लेके। ठीक है, और तो 70 द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ टिपिकल 70S राइबोसोम, वो होगा ही क्योंकि प्रोकैरियोटिक के जैसे बिहेव करते, बाइनरी फिजन है और बडिंग है, तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। दीज कॉक्साइड बॉडीज इनसाइड द लार्ज बॉडीज मेच्योर सेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम 330 से 450 mm। ठीक, माइन्यूट बॉडीज एंड लास्ट टू फॉर्म लॉन्ग फिलामेंट्स चेन ऑफ माइन्यूट स्फीयर्स। तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ ये बाइनरी फिजन और बडिंग, ये रिप्रोडक्शन का टाइप है माइकोप्लाज्मा में, बस। ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा कैसे होता है, तो माइकोप्लाज्मा ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट बाई लीफ हॉपर्स। और एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ माइकोप्लाज्मा इज देयर एबिलिटी टू मल्टीप्लाई इन द लीफ ऑपर्स, इसको ऐसे रीड कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कंट्रोल ऑफ माइकोप्लाज्मल डिजीज ऑफ प्लांट्स, तो ये है कि एक्सपेंसिव पेरेनियल ऑर्नामेंटल है दूसरे वैल्यूएबल प्लांट्स को मैनेज कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट विद इंजेक्शन जैसे कि टेट्रासाइक्लिन। और कुछ केसेस में तो मैनेजमेंट ऑफ लीफ ऑपर्स वेक्टर्स, ये हेल्प करते हैं डिले द स्प्रेड ऑफ डिजीज, तो इससे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। सो एक बार फिर रिकैप कर लो, हमने इस वाले पैरा में एक क्वेश्चन बनाया, ये कि PPLO का फुल फॉर्म क्या है और ये कैसे स्टार्ट हुआ था, मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल्स में क्लास में ये आता है माइकोप्लाज्मा। कैरेक्टरिस्टिक हमने टोटल 6 देखे थे, इससे हम कुछ MCQ भी हमने बनाए थे। ठीक, और इस पूरे में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इसका एनिमल डिजीज़ और प्लांट डिजीज़। प्लांट में ये सब के सब रहेगा और एनिमल में था ये दोनों, प्लूरोनिमोनिया और इन्फेक्शियस अगैल एक्लिया। ठीक, इसको हाईलाइट कर लो। इसमें हमने देखा था कि कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है बिहेवियर वो प्रोकैरियोटिक के जैसा है, और ये इसका एक अच्छा सा डायग्राम दिया है, इसको आप बना सकते हो। ठीक, जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो वहाँ पे इसको बना सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे।
फिर हमने रिप्रोडक्शन देखा, यहाँ पे बाइनरी फिशन और बर्डिंग का टाइप है ये, और तो इससे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले और इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला। ठीक, तो हमारा माइकोप्लाज्मा का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ठीक, माइकोप्लाज्मा पे कुछ MCQs हैं, तो हमने अभी पढ़ लिया माइकोप्लाज्मा, सो उस टॉपिक के जस्ट बाद MCQ एक बार ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द माइकोप्लाज्मा, तो है कि माइकोप्लाज्मा आर प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ट्रू है। स्मॉलेस्ट नोन सेल्स लैकिंग अ सेल वॉल, सही है। कंट्रोल्ड बाई टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, ये भी सही है। बोला है दे इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को कैसे इन्फेक्ट कर सकते हैं, सो नॉट ट्रू पूछा, इसलिए डी सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप, तो उसका होगा माइकोप्लाज्मा, PPLO बताया था अभी। ठीक, याद होगा। स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट सो फार, तो अभी तक तो हमको माइकोप्लाज्मा ही मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइकोप्लाज्मा आर नॉट सेंसिटिव टू, तो वो होगा पेनिसिलिन को लेके ये सेंसिटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइकोप्लाज्मिक डिजीज, तो लीफ कर्ल ऑफ पपाया, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो आपने अगर ठीक से वो प्लांट डिजीज पढ़े होंगे तो ये है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ठीक, वन स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वायरस है, साइनोबैक्टीरियम है, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरिया है, तो ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा। एस्टर येलोज डिजीज इज कॉज्ड बाई साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस या बैक्टीरिया, ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा रिक्वायर्स दिस फॉर ग्रोथ, क्लोरोफिल, फाइकोबिलिन, कैरोटीनॉइड्स या एस्टेरॉल। तो आपने उस पैरा को ध्यान से पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा कि हमने एस्टेरॉल की बात किया था। ठीक, एस्टेरॉल के बारे में हमने पढ़ा है। एंड ऑर्गेनेल फाउंड इन माइकोप्लाज्मा, तो आपको ऐसे दिखाया था कि इसको आप लिख लो, तीन टोटल थे, तो क्या क्लोरोप्लास्ट था, क्या राइबोसोम था, क्या माइटोकॉन्ड्रिया था, क्या न्यूक्लियस था, तो ध्यान से याद करोगे तो वहाँ पे था राइबोसोम। ठीक, क्या था, राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारा माइकोप्लाज्मा का MCQ प्लस थियोरी, ये पार्ट कंप्लीट हो गया है प्रॉपर। शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी है और MCQ फॉर्मेट में भी है, MCQ सॉल्व भी किया है, बुक पढ़ के MCQ बनाया भी है। सो अभी हमारे पास टोटल माइकोप्लाज्मा से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।